कहाँ है कचरा वचरा पड़ा ब्रो ब्रो लिटरली क्या बोगी ओ यहाँ पर बहुत सारे और भी बोगी मॉन्स हैं यार हर जगह पर यहाँ पर अबे फ्रॉस्टालियन कहाँ अटैक कर रहा है यार ये मेरा फ्रॉस्टालियन नूब हो गया है भाई भाई ये देखो इतने सारे फायरबॉल्स आ रहे हैं ओए क्या पकड़ लिया हम लोगों ने अबे ये क्या हो गया चेंज हो गया क्या कोई तो अबे क्या हो गया भाई मार खाया है कहीं से उल्टा उल्टा हो गया इसका मुंडी Yo, what's up everyone? Welcome back to a brand new Powerful video, जहाँ पर हम लोग आज finally एक बहुत ही ज़्यादा और powerful Pokemon को पकड़ने वाले हैं। यार मैं 5 दिन के लिए Powerful क्या नहीं खेला भाई, नए Pokemon आने लगे। आप लोगों ने इतने सारे मुझे messages करे हैं कि भाई Powerful के अंदर नए नए Pokemon आए हैं। तो finally आज हम लोग एक ऐसा Pokemon पकड़ने वाले हैं जिसका नाम है Latios, जो कि एक flying type Pokemon है, but it is very rare। और हमें ये एक volcano वाले island में दिखने वाला है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं Powerful के अंदर। बहुत टाइम हम लोग ने वीडियो डाला है, तो अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड आल्सो गाइस, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 गेम खेल रहा हूं, ब्लैक मिथ वुकोंग। इतना जबरदस्त बंदर है और इतना जबरदस्त वो छड़ी चलाता है ना भाई, मजे आ जाते हैं। नंबर 1 वर्ल्ड की गेम है। अगर आप लोगों ने उसके एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड एंड ढूंढते हैं Latios को। लेट्स गो। Alright, what up, welcome back to a brand new Palworld episode, जहां पर आज हम लोग explore करने वाले हैं नया area। ये नया area Palworld में अभी recently आया है, जहां पर भाई हमें ये पूरा का पूरा volcano area के बाद भी ये हल्का सा desert area देखने मिलता है। And यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं either volcano area में या फिर ये desert area में, दोनों में से किसी भी एक जगह पर हमें वो Latios देख सकता है, नया Pokemon। And साथ साथ में सिर्फ वही नहीं भाई, बहुत सारे नए नए Pokemon भी आए हैं जिनको देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड भाई Latios उसको भाई मैं अपने बेस पर लाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं अपने आप बेस उसको दिखाना चाहता हूं, है ना। एंड आल्सो आई एम बैक, अल्फा सुप्रीम इज बैक, Palworld इज बैक। तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, आई नो यू गाइस मिस्ड मी। तो फटाफट चलते हैं Latios के पास। यहां पर बहुत सारी एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, एंड ये पूरा का पूरा मैजिकल एरिया है। यहां पर अगर आप धीरे-धीरे आगे जाओगे तो ये सारी चीजें धीरे-धीरे स्पॉन होती जाएगी, सारी चीजें बनती जाएगी। एंड एवरी टाइम जब आप यहां पर आओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो नया ही दिखेगा। ये सारी चीजें अपडेट में इस लोग ने बताई हुई है, बट फिलहाल के लिए भाई मैं तो कोई और लग रहा है यार, ये मैं अपना परफेक्ट फ्रॉस्टालियन नहीं लेकर आया हूं यार। मुझे लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं तो कोई तो भाई फ्रॉस्टालियन मेरा परफेक्ट वाला नहीं है, शायद ब्रीडिंग मास्टर में गड़बड़ हो गई है। एंड ऑल्सो आप लोग को मुझे बताना है कि अगर Latios हम पकड़ते हैं तो कौन से ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन आपको देखना है इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा रिकॉल टावर है जो हमें बहुत टाइम से नहीं मिला है भाई। फास्ट ट्रैवल इतने टाइम से मैंने नहीं देखा, और ये वाला फास्ट ट्रैवल भाई अनलॉक भी नहीं करा था। लेट्स गो भाई। ओ ये कौन से पोकेमॉन है भाई, ज़ैपडॉस है यहाँ पर ब्रो। ये तो चाहिए मुझे, ये तो चाहिए भाई, ज़ैपडॉस यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। ओ एक ज़ैपडॉस इधर आओ। ओ तेरी भाई, फ्रॉस्टालियन मार नहीं पा रहा है यार उसको। बट गाइस ये वाला ज़ैपडॉस बहुत लो हो चुका है, इसको पकड़ना पड़ेगा, यही टाइम है वरना मार देगा फ्रॉस्टालियन। नाइस, 90% कैप्चर रेट है भाई, बहुत ईजी है, आ ही जाएगा एक ही बार में आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। नाइस, एक बार में आ गया। बट ये ज़ैपडॉस मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है और फ्रॉस्टालियन सिर्फ उसको देख रहा है। भाई एक काम करते हैं, अभी जिस ज़ैपडॉस को पकड़ा ना उसी को डालते हैं इसके सामने। ओ तेरी भाई, ये मर ना जाए भाई, बहुत लो है। ओ भाई गाइस हमारे पास अल्टीमेट स्पीयर है, तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी इसको पकड़ने का। ओई 36, अबे कोई इज्जत है कि नहीं मेरी, अबे हेलो 36% की कोई इज्जत है कि नहीं। नाइस, 76% चांसेस है फिलहाल इसको पकड़ने के भाई, 2 ज़ैपडॉस हो जाएंगे हमारे पास। बॉयज आई कांट बिलीव हम लोग ज़ैपडॉस के अंदर जा रहे हैं उड़ के। भाई ये वन ऑफ द लेजेंडरी पोकेमॉन है जो सिर्फ इसी एरिया में, भाई मैंने बोला था भाई इस एरिया में हम लोग आएंगे तो हमारे पास बहुत ही नई नई चीजें देखने मिलेगी। यहाँ पर भाई इतना बड़ा अंडा क्या कर रहा है ब्रो, ये एक ह्यूज स्कॉर्चिंग एग है जो कि हमें मिल चुका है ब्रो, कितना ज्यादा बड़ा है। बट फिलहाल के लिए गाइस हम लोग यहाँ पर मून नाइट पे बैठ के जाएंगे, हमारा बहुत पावरफुल है यार ये भी। यार देखो हम लोग यहाँ पर कहाँ बैठते हैं भाई, चांद पे बैठते हैं भाई हम लोग इधर। खैर भाई यार ये नहीं, ये तो बहुत स्लो है भाई, एक काम करते हैं हमारा फ्रॉस्टालियन ही बेस्ट है, चलते हैं ये एरिया और एक्सप्लोर करते हैं और कहीं ना कहीं तो भाई हमें वो मिल ही जाएगा। भाई फ्रॉस्टालियन पे वापस आ चुका हूँ, ये मून पे बैठ के भाई बहुत स्लो चलता है वो। हाई भाई घूमते मैं तो थक गया, बट भाई इसी किसी जगह पर हमें वो Latios करके जो है पोकेमॉन वो मिलने वाला है भाई। ढूंढते भाई हड्डी बस लेक हो जाने वाली है। बट यहाँ पर भाई ये देखो गॉफिन इग्निस क्या कर रहा है भाई, तू यहाँ पर झाड़ पे लग रही है यार सारी गोलियां मेरी, अब लग रही इसको। चल बेटा एक ही बार में गायब, चलो भाई इसको तो मार दिया, बट भाई अपनी ढूंढने की प्रक्रिया शुरू ही रहेगी। भाई इतने सारे लावा कब से ऐड कर दिए भाई यहाँ पर। नाइस,
बहुत सारा सल्फर भी है यहाँ पर, जिससे अभी एटलीस्ट हमें एक दिक्कत तो नहीं आएगी भाई की कोई सल्फर वाली दिक्कत हो। कौन 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 फाइट कर रहा है भाई? ब्लेज कैन भाई, ये कौन? अरे भाग गए दोनों के दोनों भाग। अरे भाई हमारे फ्रस्ट वाले ने दोनों को एक ही अटैक में लेटा दिया भाई। अरे 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 नहीं 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 भाई, फ्रस्ट रन को आग लग गई। शिट मैं भूल गया भाई यार, आग वाली जगह पर फ्रस्ट रन को तो नहीं लेकर आना चाहिए था। मैंने तो भाई, अबे मुझे भी आग लग रही है। जैसे तैसे करके भाई मैंने ये आग हटाई है यार मुझ पे। यार मैंने तो देखो हीट वाले कपड़े पहन लिए, बट हमारे फ्रॉस्टालियन भाई को मैं भूल ही गया भाई। ये बंदा है बर्फ का राजा, और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ही ये है कि भाई ये लावा वाली एरिया में बहुत इसको दिक्कत होती है, और मैं वहीं पर लेकर आ गया उसको। यार भाई ये ही है वो एरिया जहां पर हमें वो भाई बड़ा वाला पोकेमोन मिल सकता है कहीं ना कहीं। यहां पर देखो गाइस, लिटरली लावा बह रहा है यार, पूरा का पूरा लावा बह रहा है, और यहाँ पर समुद्र में सारा का सारा लावा इकट्ठा हो रहा है भाई। आर्कनाइन ब्रो, ये पोकेमोन तो भाई वो पुलिस के पास हुआ करता था यार। रुको इसको पकड़ने का ट्राई करते हैं भाई। 53% चांसेस भाई, तो अल्ट्रा लेजेंडरी स्पीयर यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक ही बार में आ जाना चाहिए। ओए 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 कौन मार रहा है? अरे 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 तुम घर पे जा, घर पे जा। तीनों को एक एक गोली में मार दिया भाई, हमने इतने पावरफुल हो चुके हम लोग। बट गाइस यहाँ पर एक डंजन भी है, चलो डंजन देखेंगे बाद में। बट फिलहाल गाइस हमें वो पोकेमोन ढूंढना है गाइस, वो नया वाला पोकेमोन जो यहाँ पर आया है भाई। एक और आर्कनाइन यहाँ पर, यार मैंने बोला था आप लोगों गाइस बहुत सारे नए नए पोकेमोन यहाँ पर है जो हमें देखने हैं। बट फिलहाल के लिए गाइस लेट्स सी गाइस कहाँ पर है वो पोकेमोन। भाई ये नए पोकेमोन को ढूंढते ढूंढते पानी तक आ चुका हूँ भाई। कहाँ पर शोर वोर पे है, कहाँ है, कचरा वचरा पड़ा। ब्रो लिटरली क्या पोकेमोन? ओ यहाँ पर बहुत सारे और भी पोकेमोन हैं यार, हर जगह पर। यहाँ पर भाई पोकेमोन की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये कौन सा पोकेमोन है? लैटियोस की 76,000 एचपी है ब्रो। हाउ भाई जेबडॉस भी यहाँ पर बहुत सारे हैं यार, ये लग रहा है ये सारे के सारे दोस्त हैं एक दूसरे के। भाई ये वाला पोकेमोन तो मुझे चाहिए यार, कुछ भी हो, भले मेरा फ्रॉस्टालियन थोड़ा फायर के सामने वीक है, और ये एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है गाइस, लेट्स गो। यार हम लोग ने भी आर्कनाइन पकड़ा था, वो भी हमारे पास है, एक काम करते हैं भाई। ओ भाई आर्कनाइन को देखो भाई, ये कितना पावरफुल है भाई। ये भाग गया, तेरी तो इसको बुलाना पड़ेगा भाई। इधर आना, इधर आना, इधर आना भाई। सिर्फ 5-5 लग रही है यार इसको। आर्कनाइन चल लेट्स गो, तू ही मार सकता है इसको। ओ भाई आर्कनाइन की सारी डैमेज नहीं पड़ रही लिटरली भाई, क्या है हम मार रहे हैं तो भाई 16 लग रही है सिर्फ इसको। भाई भागो भागो भागो, चल भाई आर्कनाइन दिखा दे भाई। तो अभी पकड़ा यार इसको मैं, और इससे आज ही मेहनत करवा रहा हूँ मैं यार, गलत है ये। ये हमें मारने की ट्राई कर रहा है भाई, ये मारने की ट्राई कर रहा है, बट हम लोग भी इसको मारे जा रहे हैं तो इसको टेंशन नहीं है। बट भाई काम करते हैं आर्कनाइन, पता नहीं भाई फ्रॉस्टालियन तू जा भाई, तेरे पे ज्यादा भरोसा है मुझे, लेट्स गो। अबे फ्रॉस्टालियन कहाँ अटैक कर रहा है यार? ये मेरा फ्रॉस्टालियन नूब हो गया है भाई, 2-3 नहीं खेला इसका क्योंकि ट्रेनिंग खराब हो गई है। प्रशांत में मुझे ही बैठना पड़ेगा लग रहा है। एक क्रिस्टल विंग मारते हैं, आ जाओ। ओ तेरी भाई लगी लगी लगी, बढ़िया लगी भाई, बढ़िया लगी। चलो भाई आइसबर्ग की बारी है, नाइस। ब्लिजर्ड स्पाइक की बारी अभी। अबे स्टैमिना खत्म हो गया क्या? ओ ब्लिजर्ड स्पाइक, लेट्स गो। बूम भाई 250 डैमेज पड़ा है भाई, इसकी हाईएस्ट डैमेज 250 पड़ रहा है यार। ये आसपास के सारे, ओ ये क्या अटैक है ब्रो? भाई मजेदार 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 भाई, फाइट कर भाई, फाइट कर, लेट्स गो भाई। आसपास के सारे पोकेमोन भी लैटियस को मार रहे हैं भाई, लेट्स गो। मारो मारो मारो, जितना लैटियस को पड़ेगी उतनी अच्छी बात है। अभी ये क्या है यहाँ? और ये मेरा फ्रस्ट्रेशन मर ना जाए भाई कहीं पे यार, इन सबको मुझे निपटाना पड़ेगा। रुको इन सबकी तो मैं बैंड बजाऊंगा, रुको भाई। जैपटॉस सारे हट जाओ यहाँ से, पैंडियम तू भी हट जा भाई, मेरे पोकेमोन को मत मार, तू सिर्फ लैटियस को मार, मारना है तो भाई। मेरा एम बिगड़ गया है भाई, भाई फ्रॉस्टालियन नहीं मरना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए फ्रॉस्टालियन नहीं मरना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कोई भी पोकेमोन नहीं है भाई, मेरी हेल्थ कम हो रही है यार बहुत। दूर वाले को रहने देते हैं, दूर वाले को छोड़ देते हैं। चल भाई फ्रॉस्टालियन कुछ करके दिखा, नाइस भाई। फ्रॉस्टालियन को अलग साइड में लेके भाई आग लगा दी फ्रॉस्टालियन के ऊपर। आ जाओ भाई हम इसको, अभी हमें लग रहा है हमें इसको मारना पड़ेगा भाई। नई गन निकाल ली हम लोगों ने, लास्ट टाइम भाई हम लोग छोटी सी गन यूज कर रहे थे, बट इस बार ये देखो भाई क्या डैमेज। अरे मैं फ्रॉस्टालियन को मार रहा हूँ भाई, बात करते करते फ्रॉस्टालियन को लगने लगी गोलियां भाई, हेडशॉट मारने में गाइस क्या हेल्थ जा रही है ब्रो इसकी, लेट्स गो भाई। मारते रहो भाई, मारते रहो मारते रहो, झाड़ पेड़ सब टूट रहे हैं भाई, क्या कर रहा है फ्रॉस्टालियन? वहां खोपचे में अटक गया है यार ये भाई। लैटियस वर्सेस आर्कनाइन, लेट्स गो आर्कनाइन, मार दे इसको भाई। आर्कनाइन को क्या हो गया है भाई? आर्कनाइन मार, ओ भाई फायरबॉल भाई, लेट्स गो
ओजी फायरबॉल भाई, लग रहा है कि यार ये नया पोकेमोन नहीं मार पा रहा यार, लेट्स गो भाई। फाइनली हम लोग 38,000 लेकर आ चुके हैं एचपी इसकी भाई। इतने टाइम से फाइट कर रहा हूँ, लिटरली आधे घंटे से, और इसको डॉज करना बहुत मुश्किल है यार भाई। हेडशॉट मारने भी हो रहा है भाई, लेट्स गो। हेडशॉट मारना जरूरी है गाइस, इसको जब तक हेडशॉट मारो ना तब तक वो मुझ पे फाइट नहीं कर पा रहा है भाई। देखो कितना तेजी से आ रहा है यार, लेट्स गो। 22,000 एचपी गाइस, पकड़ सकते हैं हम लोग इसको। ओए लेट्स गो गाइस, 6% कैप्चर रेट है गाइस। ओ नहीं आया, बाहर आ गया भाई। एक और पकड़ते हैं, रुको। 4-5% कैप्चर रेट है यार। 20 अभी यार नहीं लग रहा, मुझे नहीं आएगा ये, मारना पड़ेगा गाइस को। और 5000 एचपी तक लेकर आना पड़ेगा भाई। मेरा फ्रॉस्टालियन भी भाई जोश दिखा रहा है, लेट्स गो भाई फ्रॉस्टालियन, लेट्स गो। आ जाओ भाई, 11000 एचपी है, लेट्स गो। 6% कैप्चर रेट है भाई, वापस बाहर निकल गया ये यार। ओ नो भाई, फायर में फायर अटैक कर रहा है यार। इसका वो अटैक जो है ना गाइस, डार्क वाला अटैक, ये बहुत डिफिकल्ट है वो डिफीट करना भाई उसको। भाई ये देखो इतने सारे फायर बॉल्स आ रहे हैं। ओए क्या पकड़ लिया हम लोगों ने, लेट्स गो भाई, लेजेंड डिवाइन ड्रैगन एंड हाइड्रोमेनियक भाई साहब, कैन यू सी दिस भाई, लैटिस को तो पकड़ लिया। फटाफट मुझे जाना है अपने बेस पे, क्योंकि वहां पर होगा अपने पाल बॉक्स के अंदर। जाते जाते हम ये भी देखते हैं गाइस, कोई और पोकेमोन हमें मिल रहा है कि नहीं आसपास। ओ ये क्या, कौन सा पोकेमोन है भाई, ये क्या पोकेमोन है? अबे रुक जा भाई, तू सबको मार देगा, मैं देख ही नहीं पाता हूँ भाई। ये क्या पोकेमोन है भाई, ये कितना क्यूट है, ये पेंगुइन जैसा लग रहा है, बट ये गाइस ये लावा पे चलने वाला पेंगुइन है। इसको पकड़ सकते हैं गाइस, 29 लेवल का ये, आ जाओ पकड़ दे इसको। बैक बोनस के साथ हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो लिटरली भाई वन थ्रो में आने वाला है हमारे पास। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, दो नए पोकेमोन हम लोग ने पकड़ लिए। अब चलते हैं भाई फटाफट बेस पे, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ, और देखते हैं इस नए पोकेमोन की पावर क्या क्या है, और उसको हम लोग लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे भाई। लैटियोस मिल चुका है हम लोग को फाइनली, लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज, फाइनली बेस में हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग अपने नए दो पोकेमोन को देखने वाले हैं। ये रहे वो दो पोकेमोन, लैटियोस एंड फ्यूकोको भाई। आ जाओ, लैटियोस को रखते हैं, फ्यूकोको को भी अपने पास रखते हैं, और देखते हैं भाई ये क्या है भाई। ये भाई ये कितना प्यारा पोकेमोन है यार, ये कितना दिखने में कितना प्यारा पोकेमोन है यार ये। लेट्स गो भाई, पहले तो इसको, ओ इलेक्ट्रिक है ये, अब इसने आवाज ऐसा किया, सिक्स्थ सेंस। ओ ये क्या करता है भाई, मेरे पूरे बेस को इसने स्कैन कर दिया है यार। भाई बढ़िया बात है यार, मे भी पूरे बेस को स्कैन करके शायद ही कुछ फिक्स वगैरह करता होगा यार, पता नहीं, बट भाई जो भी है बहुत क्यूट है दिखने में भाई साहब। फाइनली हम लोग लैटियोस को अपने बेस पर लेकर आ चुके हैं। आ जाओ भाई, लैटियोस को मिलवाते हैं बाकी सारे लुकारियो और बाकी नए नए पोकेमोन्स के साथ। हाय लैटियोस, वेलकम टू माय बेस, कैसा लग रहा है भाई तुझे यहाँ पर? भाई ये तो ऑलरेडी हर जगह पर घूम रहा है यार, मजेदार मजेदार मजेदार। अच्छा छलांग वलांग मार के देख रहा है भाई। हाँ देख देख, पानी वानी भी है यहाँ पर। यस हर जगह पर, यहाँ पर मैं बहुत सिस्टमेटिक रखता हूँ मैं अपना बेस। देख लैटियोस तेरे लिए भाई, देख तो, एक तो लैटियोस है एकदम बहुत ही जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पोकेमोन भाई। देखो इसको देख के लगता है कि भाई ये बिल्कुल मजाक करने वालों में से नहीं है भाई। ऑल्सो देख भाई लैटियोस, यहाँ पर मैंने हर जगह पर तेरे लिए खाने पीने के सामान रखा है। यहाँ पर ये देखो ठंडा करती है फ्रिज, कोई टेंशन की बात नहीं हमारे बेस पे, यू आर वेलकम। एंड ऑल्सो भाई सबसे अच्छी बात, तेरे लिए मैंने यहाँ पर इतना बड़ा अनुबिस का स्टैचू लगाया है भाई। बट आई डोंट थिंक भाई लैटियोस अभी कोई डरता होगा अनुबिस वगैरह से, क्योंकि ये खुद एक इतना पावरफुल पोकेमोन है कि ये अनुबिस को एक झटके में हरा सकता है। बट आई डोंट नो अबाउट लुकारियो भाई, लुकारियो एक बहुत पावरफुल पोकेमोन है अनुबिस से भी ज्यादा। ऑलराइट भाई, बेस तो इसने काफी घूम लिया, तो अब बात यह है कि भाई लैटियोस का रियल पावर देखे हम लोग सारे बड़े बड़े पोकेमोन फाइट्स के साथ। क्यों लैटियोस रेडी है क्या? हाँ रेडी है, लेट्स गो भाई। चलो चलो फटाफट टेलीपोर्ट मारते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन से पोकेमोन के साथ इसकी फाइट करवानी है। चैट आप लोग भी बताना गाइस, इस लैटियोस के ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस कौन से होनी चाहिए, बिकॉज़ आई एम रियली एक्साइटेड भाई। हालांकि हमने पूरा का पूरा पालवेल डिफीट कर दिया, बट गाइस कुछ कुछ पोकेमोन ऐसे हैं जिनको मारना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये सारे टावर बॉसेस भाई, ये डेजर्ट एरिया का जो टावर बॉस है ना भाई, ये मेरा दिमाग खराब कर देता है। और स्पेशली ये वाला टावर बॉस इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल है ना कि भाई सारे पोकेमोन को एक बार यहाँ पर आके तो भाई टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये होगा मेन पावरफुल पोकेमोन का एक असली बैटल है ना। तो चलो भाई आ जाओ चलते हैं, ऑल बॉस कंफर्म करते हैं। PIDF का मेन टावर बॉस है ये वाला। लेट्स सी हमारी लैटियोस की सबसे ज्यादा पावर, हमारी टेस्ट जो होगी वो यहीं पर होने वाली है। ऑल राइट भाई, ये क्या है भाई, अबे ये क्या हो गया, चेंज हो गया क्या कोई तो भाई, ये क्या है वो भाई, उसका मुंह पता नहीं क्या हो गया था उसको। ये देखो
अबे क्या हो गया भाई, मार खाया है कहीं से? उल्टा उल्टा हो गया इसका मुंडी। अरे यार ये क्या हो गया इसको, हाथ पैर तोड़ दिए इसके। लोल। ऑल राइट भाई, फलारिस है हमारे सामने आज भाई। बट एक मिनट यार, ये मार्कस को क्या हो गया यार, इसकी मुंडी टेढ़ी क्यों हो गई है भाई? ये रहा मार्कस, देखो ऐसा दिखता था ये, इसको पता नहीं किसी ने मारा, मुंडी टेढ़ी हो गई इसकी। चलो भाई आ जाओ, लैटियोस मैं तुम्हें चुनता हूँ, दिखा दो अपना पावर। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ, ये मेरे अटैक्स है ना? हाँ हाँ ये लैटियोस के अटैक्स है भाई, भूल गया मैं। ऑलराइट लैटियोस, देखो गाइस, ओ भाई हर जगह से इसने बहुत सारे आग के गोले गिराए हैं यार। बट अनफॉर्चुनेटली फलारिस उड़ने वाला पोकेमोन है तो लैटियोस को दिक्कत हो रही है। लैटियोस का अटैक बहुत एरियल है। ओ भाई मार रहा है तो बहुत बढ़िया मार रहा है, बट जब नहीं मार रहा ना तब गाइस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गाइस आ जाओ लैटियोस को बैठते हैं, आ जाओ लैटियोस पे एक बार। ओ भाई ये देखो ये देखो ये देखो देखो कितना डैमेज पड़ेगा भाई। ऑलराइट हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि लैटियोस एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन के सामने बहुत पावरफुल होने वाला है, उड़ने वालों के सामने थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। बट गाइस आ जाओ अब इसके एक्सक्लूसिव रॉकेट ट्राई करते हैं। ओ तेरी भाई क्या डैमेज है भाई, सारे के सारे रॉकेट एकदम बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। चलो भाई अभी थोड़ा बहुत अटैक इनको भी करने दो। चलो भाई लैटियोस दिखा दे भाई, लेट्स गो। ओ भाई 3000 डैमेज ब्रो। वू आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ लैटियोस भाई। बट एक बार है ना इसको मारने के बाद हम लोग है ना एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन पे भी ट्राई करेंगे। मैं तो चाहता हूँ भाई ओडसर्क वगैरह हो, ओडसर्क पे मारेंगे ना तो मजे आ जाएंगे भाई। ये देखो भाई पाइप फलारिस से उस टावर पे ही मार दिया भाई पूरा का पूरा फायर बॉल। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी फिलहाल के लिए फलारिस को हम मार देते हैं, लैटियोस को हम लोग है ना अगली बार ट्राई करेंगे, ठीक है? चल लैटियोस जल्दी आ, इसको पकड़ नहीं सकते ना। चलो भाई खत्म करो इस, ओरे 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 भाई हमें मत मार भाई, ब्रीडिंग मास्टर के साथ साथ पोकेमोन मास्टर भी है, समझे क्या हम आए बड़े। चलो भाई बाय बाय फलारिस, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई लोग बॉस एलिमिनेटेड। भाई यार एक चीज बुरी लगी लैटियोस का है ना गाइस, फ्लाइंग लोगों के सामने नहीं है यार, मतलब मुझे पोकेमोन सामने का है ना ग्राउंड टाइप ही होगा ना तभी हम लोग लैटियोस को यूज कर सकते हैं, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। बट ठीक है यार, देखो हर एक पोकेमोन की कोई ना कोई वीकनेस होती है, ये हमें समझना चाहिए है ना, ये बात सही है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है अब काम करते हैं, फास्ट ट्रैवल करते हैं यहाँ से और फटाफट है ना एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन को मारने आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर बाजू में ये मीना स्टिंग इसी को मारने आते हैं, आ जाओ। ओ भाई ये देखो ये ग्राउंड टाइप तीनों को इससे मार दिया भाई अकेले। ठीक है चलो यहाँ पर आगे एक मीना स्टिंग है। ऑलराइट लैटियोस की स्पीड देखो भाई एक बार, इतना तेज है ना यार ये पोकेमोन, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो फटाफट चलते हैं, यहाँ पर एक मीना स्टिंग है। ऑनेस्टली मीना स्टिंग एक ऐसा पोकेमोन है जो कि बहुत पावरफुल है भाई। मीना स्टिंग को तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर हम लोग ने ये क्या देख लिया भाई, ये देखो सामने यहाँ पर है मीना स्टिंग की केव। यार ये तो चीज यहाँ पर नहीं थी भाई, ये कहाँ स्केलेटन्स कहाँ पे आ गए हैं भाई? यो ये क्या है भाई, भागो भाई, कोई नए नए पोकेमोन थे यहाँ पर। बट फिलहाल आ जाओ गाइस मीना स्टिंग पे चलते हैं, और वो ऊपर से उड़ने वाला पोकेमोन था भाई, उड़ने वाले पोकेमोन से लैटियोस की फाइट नहीं करनी है, इतना तो मुझे समझ में आ चुका है। ठीक है बट अभी फिलहाल गाइस मीना स्टिंग के सामने चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या ये मीना स्टिंग को कितना मारता है, कितना पावरफुल है मीना स्टिंग के सामने। 44 लेवल का मीना स्टिंग है, बहुत इजी रहने वाला है। बट लेट्स सी गाइस, लेट्स सी क्या होता है, आ जाओ। मीना स्टिंग वर्सेस लैटियोस, और पहला अटैक गिरा उसके ऊपर, नॉट बैड भाई। ये देखो सारी की सारी वेव्स गिर रही, उसके ऊपर आग भी लगा दिया उसने भाई। हालांकि लैटियोस वोल्केनो एरिया से तो मैं समझ सकता हूँ भाई, आग तो लगानी जरूरी है, एंड पॉइजन पोकेमोन के सामने जब आग लगती है ना भाई तभी कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ओ भाई ये देखो वो डस लिया उसको भाई, एक पॉइजन डार्ट लगा है लैटियोस को, बट आई डोंट थिंक उसको कोई दिक्कत आ रही है। अभी भी 2000 एचपी लैटियोस की भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, लेट्स गो। अरे भाई आग पे आग मार रहा है। अरे 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 हेलो हेलो मुझे, ओ तेरी लैटियोस ने क्या ही अटैक दिया गाइस, वंस अगेन कोई तो ये ड्रैगन वेव अटैक है भाई। एक ब्रो लेट्स गो, लैटियोस डिफीटेड मीना स्टिंग, लिटरली एक मिनट भी नहीं लगा होगा, और चार अटैक में भाई लैटियोस ने मीना स्टिंग को मार दिया। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा पोकेमोन है, बट ओनली फॉर ग्राउंड टाइप पोकेमोन्स। ठीक है हालांकि हर एक पोकेमोन की वीकनेस होती है, बट ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है अब चलते हैं बेस पे और इसको आराम करते हैं, थोड़ा आराम देते हैं। ठीक है ऑलराइट गाइस, बेस पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, एंड अभी थोड़ा आराम करने का टाइम है। आ जा यार लैटियोस तेरे लिए, देख यहाँ पर मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हुई है, इसके अंदर तो रेस्ट भी कर सकता है, आराम से नहा धो अपने पंख वंख क्लीन कर। और बहुत सारे यहाँ पर है ना मैंने बड़े बड़े फ्लफी बेड बनाए हुए हैं, ऊपर नीचे जहां तेरा सोने का मन है वहां सो जाना। ठीक है
ऑल राइट लैटियोस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन. आज एक आउटरो दे देते हैं फटाफट आ जाना. ऑल राइट गाइज, ये रहा आपके सामने लैटियोस. अगर आप लोग को इसके ब्रीडिंग एपिसोड देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन. ब्रीडिंग कॉमेंट्स में तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप लोगों ने सब्सक्राइब करा होगा, ठीक है, तभी मुझे दिखेंगे. तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लैटियोस भाई ये पोकेमोन के साथ अपने अपने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस मुझे बताना. तो यार गाइस, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो और मजा आया हो देखने में तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना चैनल को. एंड ऑल्सो गाइस, ब्लैक मिथ वुकोंग की वीडियो मैं आगे लगा दूंगा, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जरूर देखना क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय.